मेरे दोस्त, किसी ने क्या खूब कहा है कि जब जमाने की परवाह करोगे तब जमाना आपको भूल जाएगा, लेकिन जिस दिन अपने सपने की परवाह करोगे उस दिन जमाना आपको जान जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक सपने को लेकर अपने सफलता को लेकर एक शख्स हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिनकी कहानी मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ और आज रूबरू भी कराता हूँ इनकी प्रैक्टिकली लाइफ से, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि YouTube क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, आपकी मेहनत, आपका सपना आपके लाइफ के साथ कितना ज़्यादा रिलेट कर पाएगा, ये मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ इनके सामने। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत थैंक यू सो मच रोहित भाई कि आपने मौका दिया अपने चैनल पे कि मैं बात कर सकूं, और आपने कई वीडियोस बनाई हुई है मेरी, तो मुझे भी वो देख के बहुत अच्छा लगा आपकी वीडियोस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर देखिए, आप एक यूट्यूबर हैं और आज यूट्यूब पे आपने जो लेवल अचीव किया है उसके लिए, जैसे कि बहुत से नए यूट्यूबर हैं जो आपको देखकर या फिर किसी को देखकर यूट्यूब पे सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन जो उनके फैमिली होते हैं उनका एक बेसिक फंडा होता है कि पढ़ाई करो, जॉब करो, यूट्यूब में ये नहीं रखा, वीडियो मत बनाओ। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कोई भी बंदा, कोई भी यूट्यूबर अपने पिताजी को दिखा सकता है। जी बिल्कुल, आपको एग्जांपल देखे वो दिखा सकता है, तो आप ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो केवल जॉब पे ही निर्भर रहना चाहते हैं और यूट्यूब को कम अहमियत देते हैं? बिल्कुल, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है और कई बार लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है, और जब इन्होंने बात कही है कि पेरेंट्स को दिखाया जाएगा, तो ऐसा नहीं कि मैं अपने सवालों को मॉडरेट करके पेरेंट्स फेवर बना दूं, जो मैं सोचता हूं वही मैं बोलूंगा। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, देखिए YouTube करने के लिए एज अ स्टूडेंट या एज अ प्रोफेशन आपको कोई जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है या पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ना, पढ़ाई करने के बाद आप दिन के 4 से 5 घंटे दोस्तों के साथ खड़े हुए फालतू में ऐसे ही उसकी बातें, उसके घर में क्या चल रहा है, वो लड़का क्या कर रहा है, यही सब बातें करके हम टाइम पास बर्बाद कर देते हैं। मैं बस ये कहूंगा कि शुरू के 6 महीने पढ़ाई के साथ साथ आप वो फालतू के काम ना करें और अपना यूट्यूब पे काम करें। अच्छा, यूट्यूब क्या है पेरेंट्स को समझ नहीं आता। यूट्यूब पे क्या होता है, एक वीडियोज बनाई जाती है किसी टॉपिक के ऊपर और वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की जाती है। जो टॉपिक है वो आपकी स्किल है। अभी रोहित की स्किल है, रोहित मैं 100% श्योर हूं जब से इन्होंने वीडियो शुरू किया होगा तब से इनकी मैच्योरिटी, बोलने का स्टाइल बदलाव आ गया होगा, बड़ों से कैसे बात करते हैं, किसी के सामने क्या कैसे प्रेजेंट होना है, बदल गए होंगे। सही बात है सर। राइट, तो वीडियो बनाने से एक इंसान भी अच्छा बनता है, इंसान बन जाता है। सही बात है। मैं इतना मतलब जैसा मैं अभी हूं, लोग मुझे कहते हैं आप बड़े डाउन, मैं ऐसा था ही नहीं सर, बड़ा ही बदमाश बच्चा था। मेरे फादर कभी मुझे बाहर ट्यूशन पढ़ने नहीं भेजे, उनको मेरे टैलेंट पे पूरा भरोसा था कि बाहर पढ़ेगा नहीं है, तो हमेशा उन्होंने घर में होम ट्यूशन लगाया। तो मैं शुरू से इतना जैसा भी मैं हूँ वैसा नहीं था, बट यूट्यूब पे जब मैं आया, कैमरे के सामने फेस किया, तो कहते हैं ना आप अच्छे नहीं हो तो बनने का नाटक करिए, अच्छे बन जाओगे। तो यूट्यूब एक अच्छा प्रोफेशन है, ना आपको पढ़ाई छोड़नी है, कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब नहीं छोड़नी है, जो कर रहे हैं करते रहिए, यूट्यूब को साथ साथ में लेके चलिए। जो टाइम आप, सर का कहने का मतलब है कि जो टाइम आप बर्बाद कर रहे हो उसे आप सही जगह लगाओ, तो लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, और अर्निंग बहुत अच्छी होती है साहब। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इतना कमा लेंगे इतना, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप शुरू में इतना जरूर कमा लेंगे जो आपके आसपास या आपके रिलेटिव्स में जो लोग हैं, शुरू में आप उनके बराबर कमाएंगे और उसके बाद आप उससे ज्यादा कमा लेंगे कि लोग आपको इंस्पिरेशन मानने लगेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सर ये भी हो जाता है ना कि जैसे कि अब देखिए इसमें लोग पेरेंट्स की अगर ज्यादा गलती ना देखें, जैसे कि गाँव में जो लोग रहते हैं उन्होंने मेहनत किया है, ऑफलाइन में कोई खेत में काम किया है, कहीं मेहनत मजदूरी, कहीं कंपनी में कोई काम किया है, अब उसे अगर कोई बता दे कि मैं घर बैठे वीडियो बना के तुमसे 3 गुना पैसा कमाता हूं, तो कौन विश्वास करता है? ये सबसे बड़ा डाउट हो जाता है, जिस वजह से जो नए क्रिएटर है उनके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, क्योंकि बड़े लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि मैंने फरुआ चला के दिन का 200 रुपए कमाया और तुम वीडियो बना के पंखे के नीचे और एक वीडियो का 5 हजार लोगे। राइट, ये हकीकत है। पर देखिए अल्टीमेटली क्या है, मैं उनको समझाना भी चाहता हूँ, काम करने का स्टाइल बन चुका है आजकल, वैरायटी ऑफ जॉब्स आ गई है हमारे, पहले डॉक्टर, इंजीनियर है ना, लॉयर, यही सब जॉब हुआ करती थी। लेकिन अब जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ी, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी इतनी बढ़ी, आप देखिए पहले क्या होता था, पहले सिंगर लोग ना सीडी बेचते थे, पहले सिंगर लोग क्या करते थे, सीडी बेच के पैसा कमाते थे। लेकिन एक टाइम पे जब पायरेसी होने लग गई तो उनको डर लगने लग गया कि मेरा तो करियर ही बर्बाद हो जाएगा सब पैसे ले। लेकिन अचानक से एक नई अपॉर्चुनिटी आई, स्पॉन्सरशिप। अब उनको सीडी बेचना नहीं है, उनको एक बड़ी ब्रांड कंपनी 1 करोड़ 1.5 करोड़ दे देती है कि लीजिए इसमें हमारा नाम लगा दीजिए और गाना बना दीजिए। अब वो सिंगर चाहता है कि मेरी वीडियो की पायरेसी हो, मेरे गाने की पायरेसी हो, रील वायरल हो, लोग देखे फ्री में, है ना। सो देखिए तरीका बदल जाता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का, वही आज के टाइम पे यूट्यूब के प्रोफेशन में, इंस्टाग्राम के प्रोफेशन में आगे चल के चीजें बदल रही हैं। तो ये बात इन्होंने ठीक कहा कि कोई फावड़ा चला के अगर 2000 रुपए कमा रहे हैं, तो हकीकत है कि आप घर में बैठ के वीडियोस बना के 5000 रुपए की वीडियो से कमा सकते हैं, और इन्होंने कमाया है, प्रूफ आपके सामने है।
ठीक है मेरे बारे में तो लोग देखते होंगे इतने ऑफिसर स्टाफ तो भाई कमा ही रहा होगा है ना, लेकिन मैं आपको 100% श्योर देता हूँ कि इन्होंने भी कमाया है पैसा। तो यही मेन चीज है सर। और सर एक बात, मैं आपकी पुरानी जिंदगी ससुराल लेना चाहूंगा, क्योंकि लोग ये भी रिलेट कर पाए कि आप जहाँ बैठे हो आप पिछली जिंदगी में थे क्या। वैसे मैंने काफी वीडियो बताया है, लेकिन अगर आपकी जुबानी कोई सुनूंगा तो अलग चीज हो जाएगी। बिल्कुल इन्होंने सही कहा है, 99% 1% गुड ऊंच नीच हो सकता है, बट सब चीज सही थी। हम लोग गांव में रहते थे, 7th क्लास में मैं दिल्ली आया, पढ़ने में वो बहुत वीक था, तो मेरे फादर यहाँ पे ड्राइविंग की जॉब करते थे एक कंपनी में, और मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे तो उन्होंने पढ़ाई के प्रति हम लोगों को बहुत ज़्यादा किया, मोटिवेट किया। ग्रेजुएट है वो, तो उन्होंने पिटाई बहुत लगाई पढ़ने के लिए मेरी, बहुत पिटाई लगाई, मतलब आज भी कभी कभी लगता है कि चप्पल वप्पल न पड़ जाए तो मतलब पढ़ाई के प्रति उन्होंने बहुत दी, और शुरू से आते थे मैं थोड़ा शरारती बच्चा था तो घर पर ट्यूशन लगाना जिससे मैं पढ़ पाऊँगा एक्चुअल में, तो मैं चीज़ें करता रहा और फिर मैं थोड़ा सा घर की काफ़ी प्रॉब्लम हुई, मॉम की डेथ हो गई, फिर बचपन में ही 17 साल की एज में शादी हो गई, तो उससे आगे जब निकला तो मैं ट्यूशन पढ़ाने लग गया। मतलब मैं, मुझे लगता था कि मैं बोलता अच्छा हूँ तो पढ़ाई में कमजोर भी रहूँगा तो बच्चों को समझा पाऊँगा, कहीं ना कहीं वो मैं सही भी था। तभी मैंने 10 साल प्रोफेशनली ट्यूशन पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद फिर किसी स्टूडेंट ने कहा यूट्यूब पे, मुझे भी आप जैसे लगा रहे यूट्यूब पे इतना कमाया जा सकता है क्या, तो मैंने फिर फाइनली यूट्यूब पे वीडियो बनाया, और आज मुझे वो बात प्रूफ हो गई कि कमाया जा सकता है। तो सर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी नया यूट्यूबर है, अगर वो यूट्यूब पे काम करना चाहता है, यूट्यूब पे ग्रो होना चाहता है, या फिर यूट्यूब पे किसी को भी देख कर मोटिवेट होकर काम करना चाहता है, लेकिन उसे एग्जैक्ट वो पता नहीं होता कि उसे करना क्या चाहिए। मान लीजिए कि मनोज दी की वीडियो देखा तो यूट्यूब टिप्स देने लगता है, उसके बाद आपकी वीडियो देखा तो आपकी कॉपी करने लगा, फिर मेरी वीडियो देखें तो मोटिवेशन देना शुरू कर दिए, आपकी वीडियो देख के महात्मा जी टेक्निकल उनका भी मोटिवेशन शुरू कर दिए, उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि उन्हें करना क्या चाहिए उन्हें। देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका, देखिए यूट्यूब पे ना कंटेंट बहुत ज़्यादा है बट इसका मैनेजमेंट नहीं है, हर एक के अपने ओपिनियंस है, करेक्ट है ना, हर एक के अपने ओपिनियंस है, तो उसमें क्या किया जाए। तो आप किसी एक यूट्यूबर को पकड़िए जिनको लगता है कि मुझे इसकी तरह बनना है सही, और उसने जो जो स्ट्रैटेजी फॉलो करी, जो आपको बता रहे हैं उसकी तरह फॉलो करिए, यही मुझे लगता है मेन चीज़ है। अब इसमें उसके कुछ गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, तो शुरुआत में कम से कम 10-12 यूट्यूबर को जज करिए कि भाई इसकी तरह बनना है क्या करें, क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, कंटेंट तो बहुत है। यूट्यूब के एल्गोरिथम जो है लाइक वो कहते हैं कि वॉच टाइम के थ्रू हम वीडियो को पुश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जो लोग जिसको नहीं भी आता वो लंबी वीडियो बना रहा है ना, कि बस मुझे पता है लंबी वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब आगे कर देगा, बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो कर रहे हैं, तो आपको पहले उनकी बायोग्राफी देखनी पड़ेगी कि वो उसने 3 साल से 4 साल से क्या करके आ रहा है वो यूट्यूब पे, तो उसके बाद जाके उसकी तरह बनने की कोशिश करें। किसी चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो तो उसका नहीं 100% एवरेज तो बन ही जाते हैं। राइट, तो ये हकीकत है सर। और सर एक बात और, जैसे कि हम सभी लोग जो यंग जनरेशन होती है तो हम लोगों को पैसा के साथ साथ एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो होता है पिताजी के नज़र में इज्जत जी, होता है ना, कि अगर हम मान लीजिए जॉब कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए कहीं भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जब तक पिताजी की नज़र में वो इज्जत नहीं मिलती तो पैसा फीका लगता है जी। तो आज आप यूट्यूब से इतना ये सब अचीव किए हैं, आज आपके पास टीम है, कहाँ आपने अकेले स्टार्ट किया था और आज आपके पास पूरी टीम है, आज इतना सारा ऑफिस, आपकी ऑफिस शायद करोड़ों में होगी कि नहीं होगी ऑफिस हाँ कह सकते हैं आप करोड़ों की ऑफिस है आपकी और काफ़ी टीम भी है आपके, तो आज आपके पिताजी का क्या ख्याल होता होगा, क्या रिएक्शन होता होगा, क्योंकि आपने जब यूट्यूब स्टार्ट किया होगा तो जाहिर सी बात है कि पिताजी राजी नहीं होते, क्योंकि किसी के भी पिता राजी नहीं होते कि नहीं भाई तुम जाओ वीडियो बनाओ, उनको ये फालतू चीज़ लगता है, और आज आपने ये सब करके दिखाया तो आज पिताजी की नज़र में क्या अचीवमेंट। देखिए मुझे याद है कि एक्चुअली जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था हाँ। तो उनको अच्छा नहीं लगा था उनको लगा था ये बरसात है, जब बरसेगा तो तुम रहोगे ना सूखे रह जाओगे लेकिन मैंने ट्यूशन पढ़ाया और वहाँ भी मैंने झंडे गाड़े के 1 लाख रुपये महीना कमाने लग गया था मैं, तो उनको एहसास जब मैं जब फिर 5-6-7 साल बाद जब मैंने उनसे कहा कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा इस बार ये सही बोल रहा होगा तो उन्होंने सपोर्ट किया, मैं आपको सच बताऊँ उन्होंने ना नहीं बोला, क्योंकि आपने एक बार करके दिखाया। हाँ एक चीज़ मैंने करके दिखाई, नहीं तो देखिए हम जिस जनरेशन में हैं हमारे पिताजी से हमारा 36 का आंकड़ा रहता ही है, आप देखिए गाँव में किसी भी लड़कों से हर एक से मतलब दूरियाँ रहती है, प्यार है अपनी जगह लेकिन वो एक जो रहता है ना हेलो पापा हाय पापा 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 के ऊपर चढ़ जाना वो सब हम बच्चे थे ही नहीं बचपन में, तो एक दूरियाँ हमारे बीच रही हैं लेकिन वो एक प्यार का आप उसमें दे सकते हैं नेम, रिस्पेक्ट एक तरह से, हाँ एक रिस्पेक्ट दे सकते हैं उसका नेम। तो मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट ही किया जब मैंने उनसे बात कही कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाए जाते हैं, हमने बहुत डिस्कशन करी है यार हमने शुरुआत में, हमारे छोटा सा घर होता था, मैं और मेरे फादर यूट्यूब रिलेटेड बहुत सारी बातें करते थे, बहुत सारी बातें, तो चीज़ें हुई और ऑब्वियसली वो प्राउड फील करते हैं आज के डेट में,
और देखिए प्राउड तो फील करेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब उनको देखिए सब चीज़ें खरीदना वरीदना तो बहुत सारे काम में मिल जाता है, लोग कोई दुकान करता है बिजनेस करता है, लेकिन जब वो रोड पे जाते हैं और अचानक कोई मिलता है बोलता है अरे आपका लड़का बहुत अच्छा कर रहा है मैंने देखा, तो वो उनको प्राउड फील महसूस होता है। इनफैक्ट हर पिता को ये प्राउड महसूस होता होगा, ये कहते हैं रिस्पेक्ट जो मिलती है नज़र में, पिताजी की नज़र में रिस्पेक्ट मिल गई तो हमको मिल गई जी। बाकी अगर दुनिया कोई गाली दे रहा है, अगर पिताजी नहीं गाली दे रहे हैं तो बढ़िया है, मीन यही रिस्पेक्ट हो जाता है। राइट सर, तो ये कुछ हमारे सवाल थे। और सबसे बड़ी बात आपने ये बताया कि कहने से ज्यादा आप किसी भी चीज को करके दिखाएं तो पिताजी भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही मतलब मैंने एक बार ट्यूशन वाला करके दिखाया था उनको, पिता अदरवाइज मेरे फादर भी बोलते कि क्या कर रहे हो तुम, ये यूट्यूब वीडियो बकवास है। अब मैं मेरे पिताजी जब थे तो मेरे पिताजी के वही था कि क्या तुम इंजीनियरिंग करो, मेरे दोस्त लोग इंजीनियर कर लिया तो सरकारी नौकरी तैयारी करो। मेरे दोस्त आज काफी लोग पुलिस में है, काफी अच्छे गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन मेरा मन था बिजनेस करने का या फिर कुछ ऐसा जिसमें नाम हो सके। तो आप देखना अभी आप उनके बराबर ही इनकम अर्न कर रहे हो या थोड़ा ज्यादा कर रहा हूं, अभी भी ज्यादा कर रहे हैं, मतलब मैं बेइज्जती नहीं करना चाहता था लेकिन आप तो डायरेक्ट ही आ गए, तो अभी आप बराबर मान लेते हैं लेकिन देखना एक साल बाद आप उनसे तीन गुना कर रहे होंगे, यह हकीकत है साहब। हाँ सर, और उसके बाद आज जब मेरे पिता YouTube के बारे में, क्योंकि वीडियो नहीं जाता था, मैंने पढ़ाई छोड़ के सीधा मैं YouTube पे लग गया, आप लोगों ने वीडियो देखा, बहुत मोटिवेट हुआ, हाँ यार सच में किया जा सकता है, तो मैं लग गया। तो मेरे पिताजी काफ़ी बार मैंने दो एक लैपटॉप भी खरीदा, उसके बाद पापा भड़क गए कि ये क्या शुरू कर दिए, ये सब कोई देखेगा क्या बताएंगे ये सब। और आज जब मैं घर पे रहकर, वो भी अपने मालिक हूँ खुद का, कोई आना कहीं जाना नहीं, बिना रुपये लगाए एक मोबाइल से बनाया था, उसके बाद आज महीने का 40-45 हज़ार आपको दिमाग कमा के जो भी दे देता है, बहुत बढ़िया यार। तो अब पिताजी कुछ नहीं बोलते हैं, अब कहते हैं यार जो किए थे बढ़िया किए थे, हमारे भाई छोटे भाई को यही सिखाओ तो अब अच्छा लगता है सर। बहुत बढ़िया रोहित, तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो हम वी में क्रिएटर्स पे भी डालें, आपकी अगर अनुमति हो तो जरूर आगे चल के हम उसको कुछ पार्ट्स डालें। आपकी इंस्पिरेशन स्टोरी है कि आपने वाकई यार कुछ समय में गांव में रह के मोबाइल फ़ोन से 40-45 हज़ार रुपये अर्न करना बहुत बड़ी बात होती है यार। मुझे लगता है गांव में जो लोग रह रहे होंगे ना प्रॉपर, वो नहीं कमा पा रहे होंगे क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है ना, साधन नहीं है वहाँ पे। पर आप यूट्यूब कर देखिए, यूट्यूब में हमेशा कहता हूँ कि एक पनवाड़ी कनॉट प्लेस में बैठ के पान बेचेगा वो महीने का 1 लाख रुपये कमा लेगा, लेकिन एक आप गाँव में बैठ के बेचेगा तो वो 2 से 3 हज़ार रुपये, लेकिन एक यूट्यूबर चाहे दिल्ली में रहे चाहे गांव में रहे कमाएगा उतना ही। तो ये है मजा इस यूट्यूब चाम का। सही बात है सर जी। सो थैंक यू, मैं बोलूँ या आप शुरुआत करेंगे? आपको लग रहा है अब ये कहाँ जाएगा वीडियो? नहीं नहीं सर, आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, आपने थैंक यू सो मच, आपको हमारे चैनल पे आए हैं आप, ये हमारा एक तरह सौभाग्य है, एक तरह से सपना भी है। नहीं नहीं, ऑल गुड ब्रदर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैंने आपकी कई वीडियोस देखी हैं और आप अच्छी वीडियोस बनाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। यही था कुछ, और हो सकता है आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, क्योंकि आपके अंदर अगर लगन है कुछ करने की चाह है तो दुनिया फर्क नहीं पड़ती कोई क्या बोलता है स्टार्टिंग में, ये मैंने सर ये रियलाइज किया है। और किसी प्रोफेशन के बारे में अगर कुछ लग गया हो आपको बुरा तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। ऐसा बुरा नहीं है, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि फला प्रोफेशन फला चीज़ है। सो बाकी तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।